हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि ओम मैथ्स टीचर तो इस वीडियो में अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन दैट एक्स माइनस रूट फाइव इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोम एक्स क्यूब माइनस थ्री रूट फाइव एक्स स्क् प्लस थर्टी एक्स माइनस थ्री रूट फाइव फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोम तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर थ्री किया था तो ये क्यूबिक है क्यूबिक पॉलिनोम के हमें पता है डिग्री मैक्सिमम थ्री होती है तो यहां थ्री जीरोज होंगे तो थ्री जीरोज के लिए थ्री फैक्टर होते हैं एक फैक्टर हमें यहाँ पर गिवन है रिमेनिंग टू जीरोज फाइंड करने के लिए टू फैक्टर और चाहिए तो वो आप कैसे फाइंड करोगे लॉन्ग डिविजन से यानी कि आप ये डिवाइजर ले लोगे, ये लोगे, इससे आप इसको डिवाइड करोगे फिर जो आपका जो भी क्वेश्चन दो और फैक्टर के रिमाइनिंग टू जीरो फिर आपको यहाँ पे एक्स माइनस रूट फाइव एक फैक्टर गिवन है इसका मतलब यहां पे क्या हो गया इसको सॉल्व करोगे तो रूट फाइव इसका एक जीरो हो गया अब आप इस इक्वेशन को डिवाइड करो तो अब हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं ओके okay, तो क्यूबिक इक्वेशन के जब भी आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं तब हमेशा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही उसको फाइंड करते हैं तो थ्री टाइप के क्वेश्चंस यहां बनते हैं एक आपको सिर्फ इक्वेशन गिवन है क्यूबिक इक्वेशन और आपको जीरोस फाइंड करना है तो फर्स्ट फैक्टर जिससे आपको डिवाइड करना होता है वो हिट एंड ट्रायल मैथड से लेके आते हो या फिर आपको जीरोज गिवन है तो उसको फैक्टर कैसे बनाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में देखा था अब आपको यहाँ फैक्टर गिवन है तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे तब तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर लेना है तो आप यहाँ पे देखो एक दोनों इक्वेशन हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज होनी चाहिए तो दोनों

डिवाइजर से तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो एक्स क्यूब हो जाएगा टू प्लस वन और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्टू रूट फाइव तो रूट फाइव एक्स जाएगा और डिग्री के अकॉर्डिंग ही उसको लिखना है तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस रूट फाइव एक्स स्क्वायर हो गया ओके okay, अब नाउ हो यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस हमेशा साइन चेंज हो गए यहाँ माइनस है तो प्लस तो प्लस के एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब तो यहाँ पे कैंसिल हो गया अब प्लस माइनस माइनस होगा तो थ्री टाइम्स आपके पास रूट फाइव है और यहां वन टाइम रूट फाइव है तो थ्री टाइम में से वन टाइम अब किया तो ये यह यहां पे बच गया टू टाइम रूट फाइव ओके नहीं तो आप इसको कोई और चीज ले लो थ्री पेन में से वन पेन गया तो टू पेन बच गए हमने रूट फाइव को पेन ले लिया इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि थ्री बड़ा जो नंबर बड़ा उसका साइन आएगा तो ये एक्स स्क्वायर और रिमाइनिंग जो दो टर्म हमने एज इट इज लिख लिया थ्री एक्स माइनस थ्री रूट फाइव हो गया फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया अभी फिर से हम डिवाइड करते हैं तो तब तो तक तो तो डिवाइड करते रहना जब तक तो हमें यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाए तो माइनस टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर को हमने डिवाइड किया एक्स से तो यहाँ पे टू है और ये नीचे वन है टू माइनस वन हो जाएगा तो माइनस टू रूट फाइव और यहाँ हो गया एक्स ठीक है इस टू में से ये वन सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया माइनस टू रूट फाइव एक्स अब हमें यहाँ पे सब करने के लिए टर्म चाहिए तो माइनस टू रूट फाइव एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस रूट फाइव से तो माइनस प्लस माइनस हो गया और ये टू रूट फाइव एज इट इज एक्स इंटू एक्स हो गया फिर माइनस माइनस प्लस तो अब यहाँ पे देखो आ, मैंने आपको पहले भी एक चीज यहाँ पे बताई है इससे पहले क्वेश्चन में कि रूट ए इंटू रूट ए हमेशा ए होता है क्योंकि क्योंकि इसकी पावर भी हाफ इसकी पावर भी हाफ बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में एड हो जाता है तो हाफ प्लस हाफ वन हो गया तो एज इट इज यहाँ पे भी रूट फाइव इंटू रूट फाइव आपका क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा ओके okay, तो अब आप इसको सॉल्व करके देखो ये हो गया माइनस माइनस प्लस कर दिया टू फिर रूट फाइव इंटू रूट फाइव आपका फाइव हो गया फाइव ये वाला टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया टेन एक्स ठीक है तो ये आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझना टू रूट फाइव इंटू रूट फाइव इंटू यहाँ पे एक्स टेन एक्स आ जाएगा नाव अब यहाँ पे इसको लिखो टू रूट फाइव एक्स स्क्

प्लस का थ्री हो गया अब थ्री को आप मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस रूट फाइव से तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू रूट फाइव थ्री रूट फाइव हो गया तो यहाँ पुट कर लो थ्री एक्स माइनस थ्री रूट फाइव हो गया नाउ साइन चेंज ये प्लस है तो ये माइनस हो गया माइनस है तो प्लस हो गया प्लस के थ्री एक्स से माइनस का थ्री एक्स कैंसिल माइनस के थ्री रूट फाइव से प्लस का थ्री रूट फाइव कैंसिल रिमाइंडर हो गया जीरो तो इस तरह से जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनामिल के जीरो फाइंड करने हो तो आप ये देख लेना कि यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर जीरो आएगा अब आपको यहाँ पे डिविजन एल्गोरिदम या डिविजन थ्योरम हमें पता है यहाँ पे कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इन टू कोशंट प्लस रिमाइंडर यही होता है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है तो इसी के फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो यानी कि हमारा यहाँ पे एफ एक्स तो हमारी जो गिवन uh, इक्वेशन है वो है तो एफ एक्स फैक्टर के फॉर्म में इसी तरह से आ जाएगा जी एक्स जी एक्स जिससे आपने डिवाइड किया और क्यू एक्स क्यू एक्स आपका यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस थ्री ओके रिमाइंडर तो आपका वैसे ही जीरो आ रहा है तो आप यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था क्यूबिक इक्वेशन के थ्री फैक्टर होने चाहिए बट हमारे यहाँ पे टू फैक्टर ही आ रहे हैं तो हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने से हमारे यहां पे क्या हो जाएगा दो जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं इजिली तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो फैक्टर और मिल जाएंगे और वहां से हमें जीरो मिल जाएंगे तो नाउ टू फाइन पुट एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है यहाँ पे तो ये हमारी इक्वेशन इक्वल जीरो हो गई अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है यानी कि हमें टू रूट फाइव को स्प्लिट करना है तो या इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके पहले ए बी सी लिख लेते हैं तो ये ए एक्स स्क्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए इक्वल टू यहाँ वन आ गया और हमेशा जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो साइन हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं मैं मैं अपना तरीका बता रही हूँ आप चाहे नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं लेकिन इससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन नहीं रहता हमेशा एक ही मैथड रहेगा बी यहाँ पे माइनस का टू रूट फाइव है बट मैं सिर्फ टू रूट फाइव ले रही हूँ और कांस्टेंट सी यहाँ पर हमारा थ्री है तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं कि जिनका सम करने पर तो बी आए बी यानी कि टू रूट फाइव है और जिनका प्रोडक्ट करने पर ए इंटू सी यानी कि थ्री इंटू वन थ्री है देखो यहाँ प्लस का साइन है ना तो पी प्लस क्यू आएगा अगर माइनस होता तो पी माइनस क्यू आता है अब आप यहाँ पे देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए जहां पे हम फैक्टर बना रहे थे तो थ्री का फैक्टर इस तरह से बनाना है आपको कि ऐड करने पर टू रूट फाइव आए तो मैंने आपको कहा था कि यहां पे जब भी नंबर जो भी नंबर रूट के अंदर होगा वो उस फैक्टर में होना चाहिए लेट कि अगर यहाँ पे रूट थ्री होता तो हम ये वाला फैक्टर लेते वन एन थ्री वाला क्योंकि थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते थे पर थ्री का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता जहाँ पे उसके मल्टीप्लाई में फाइव आए तो अब यहाँ पे देखो हमें फाइव लेकर आना है रूट अगर फाइव के ऊपर तो हमें यहाँ पे इन दो नंबर में से एक पे फाइव होना चाहिए तो अब आप यहाँ पे देखो ये मेरा फाइव हो गया फाइव और तो ये तो मैंने फाइव ले लिया बट मुझे यहाँ पे क्या लेकर आना है थ्री लेकर आना है तो थ्री कैसे आएगा मैं फाइव में से टू को सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी मेरा यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा ओके तो अब इसी टर्म को लेके हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको ऐड करने पर टू रूट फाइव आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर थ्री आए तो आप यहाँ पे देखो मैं फाइव को यहाँ पे क्या ले सकती हूँ रूट 5 का या रूट फाइव लिख सकती हूँ और टू को मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं तो ये आपका हो गया यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू हो गया अभी भी आपका सेम ही रहेगा रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव हो गया रूट टू इंटू रूट टू आपका टू हो गया फाइव माइनस टू आपका अभी भी यहाँ पे थ्री आ रहा है अब तो इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं रूट फाइव प्लस रूट टू और ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से हम लिख सकते हैं तो ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका यहाँ पे Q तो ये एक पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको जीरो अपने आइडिया से बनाना पड़ रहा है जहां पे आपको इन ए बी सी को यूज करके और आपका जीरोज यहाँ पे नहीं बन रहा है तो इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे जब आपका ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो वहां पे अगर आपका पेपर टफ आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है तो मुझे बताया कि रूट मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे फाइव ले लिया क्योंकि रूट फाइव के लिए फाइव तो चाहिए होगा अब पे जो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली टर्म है उसको पी ले लिया एक को क्यू ले लिया अब आप यहाँ पे करके देखो क्या यहाँ पे पी प्लस क्यू टू रूट फाइव आ रहा है तो मैं रूट फाइव प्लस रूट टू प्लस रूट फाइव माइनस रूट टू इन दोनों को ऐड किया देखो प्लस के रूट टू से माइनस का रूट टू कैंसिल और ये टू टाइम रूट फाइव वन टाइम रूट फाइव वन टाइम रूट फाइव टू टाइम रूट फाइव हो गया और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखो रिवर्स में जाके हमारा थ्री आई रहा है ये देखो ये ये पी है ये क्यू है मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है रूट टू का स्क्वायर टू होता है और आंसर हमारा यहाँ थ्री आ रहा है तो दोनों कंडीशन हमारे यहाँ फुलफिल हो रही है तो पी आपका यहाँ से रूट फाइव प्लस रूट टू हो गया यानी कि दो नंबर

रूट फाइव माइनस रूट टू ये हमने लिख दिया फिर ये एक्स एज इट इज प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब सेम हम जैसे करते थे ब्रैकेट ओपन करके एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू एक्स अंदर चला जाएगा तो ये एक्स हो गया माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया रूट फाइव माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब फर्स्ट टू में से कॉमन लो लास्ट टू में से कॉमन लो तो आपका ये यहां पे हो गया इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है क्योंकि यहां x टू टाइम है या x वन टाइम है तो यहां से बचा x एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू ओके okay, यहां से दो एक्स थे तो एक एक्स एक बच गया और यहां से एक ही था तो वो बाहर आ गया जो भी साइन यहां होता है वो हम यहां पे कॉमन लेते हैं तो आप यहां पे देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहां पे सेम होना चाहिए तो यहां X, अगर यहां एक्स है तो इस ब्रैकेट में भी एक्स ही होना चाहिए इसका मतलब आपको एक्स बनाने के लिए ये टर्म यहां से कॉमन लेनी है तो आप देखो यहां पे थ्री को हम क्या लिख सकते हैं थ्री को हम ये टर्म लिख सकते हैं क्योंकि देखो फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री है तो इसको सॉल्व करने पर आपका थ्री ही आ रहा है ये देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम ये पी इंटू क्यू किया पी इंटू क्यू करके इसको सॉल्व करके ऊपर के कर जाएंगे हमारा थ्री आ रहा है यानी कि थ्री की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मैं एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्स प्लस थ्री की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट फाइव प्लस रूट टू एंड रूट फाइव माइनस रूट टू क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो गया रूट टू का स्क्वायर टू हो गया फाइव माइनस टू आपका यहाँ पे थ्री हो गया अब आप इन दोनों टर्म में से कॉमन लो ये वाली दोनों टर्म में से ओके तो ये यहाँ पे तो हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू बचा है यहाँ पे तो, तो माइनस ये वाली टर्म यहाँ पे कॉमन आएगी दोनों जगह में यहां ये वाली देखो ये रूट फाइव माइनस रूट टू यहाँ भी है रूट फाइव माइनस रूट टू यहाँ भी है तो ये यह हमने यहाँ कॉमन ले लिया रूट फाइव माइनस रूट टू ओके माइनस कॉमन लिया है तो ये वाली टर्म अंदर प्लस हो जाएगी तो यहाँ से एक्स बचा है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी यहाँ से हमारा बचा है रूट फाइव प्लस रूट टू ओके इक्वल जीरो अब जो दोनों ब्रैकेट आपके सेम है उसको एक बार लिख लो एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू और यहाँ पे एक और बच्चा आपका ये वाला एक्स माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो अब हमें जीरो चाहिए एक बार इसको इक्वल जीरो रखो तो वैन एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो माइनस के साइन के साथ इधर आएगा तो ये प्लस का साइन का ब्रैकेट हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट टू हो जाएगा और नेक्स्ट आपका वैन एक्स माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो तो ये पूरा ब्रैकेट इधर लेकर आ रहे हैं तो ये ब्रैकेट आपका पूरा पूरा, 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 पूरा जाएगा। तो रूट फाइव माइनस रूट टू हो गए तो एक फैक्टर आपको में गिवन था इसके फैक्टर हमने बना लिए हैं, ये ये दो फैक्टर इन दो फैक्टर को करके हमें ये दो इन को को करके मिले, तो तीनों अगर हम करें, अगर आपको एक और फैक्टर में गिवन है एक्स माइनस रूट फाइव इक्वल टू जीरो सोल्व करें तो एक्स इक्वल टू आपको रूट फाइव मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया सारे द Zeros of ऑफ द एफेक्ट्स आर एक आपका हो गया रूट फाइव एक हो गया आपका रूट फाइव प्लस रूट टू और एक हो गया आपका रूट फाइव माइनस रूट टू ओके तो ये थ्री जीरोज हो गए तो ऊपर जब डिवाइड किया वहां तक हमारा बिल्कुल क्वेश्चन सही था उसमें को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एक बार इसको देख के नोट कर लें और एक बार इसको बिना देख के आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा थैंक यू